दबंगों द्वारा किया जा रहा सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य। रेवसा सीतापुर चहलारी मेन रोड पर रपटा व नाले पर दबंगों अराजक तत्वों ने कब्जा कर बाढ़ के पानी निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया, वही सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। गुरुवार को विधायक ज्ञान तिवारी जब मौके पर पहुंचे तो सरकारी अमले में हड़कंप मच गया। मालूम हो कि चहलारी रोड पर कई रपटे व नाले पड़ते हैं। बाढ़ विभीषिका के समय यह नाले व रपटा बचाव का कार्य करते हैं। इस रोड पर चहलारी ग्राम सभा में पड़ने वाले को पाट कर पानी का निकास दबंगों ने बंद कर दिया है। यहां प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है और इस स्थान पर हजारों ट्राली मिट्टी बिना रॉयल्टी जमा कर प्रयोग में लाई जा रही है। तो वहीं इसी मार्ग पर आगे ग्राम गोलोक कोडर में पड़ने वाले नाले को बंद कर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य नाले व मार्ग पर किया जा रहा है। यह नाला व मार्ग बंद होने से क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की भयंकर चपेट में आ जाएंगे। गौरतलब हो कि प्रशासनिक अमला काफी समय से बाढ़ की तैयारियां कर रहा है। तहसील सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, फिर भी महीनों से इन स्थानों पर अवैध अतिक्रमण रपटा व नाले को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। विधायक ने जब इन दोनों कब्जों को देखा तो कड़ी नाराजगी जताई। मौके पर उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार को बुलाया। एसडीएम व ग्रामीणों के साथ दोनों स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। विधायक ने कहा यह गंभीर विषय है जो कि क्षमा योग्य नहीं। इन दोनों मामले में FIR दर्ज कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो अवैध कब्जा किया गया है उसको तत्काल खुलवाया जाए। विधायक ने कहा कि वह पूरे क्षेत्र का राजस्व विभाग की टीम लेकर बाढ़ आने से पहले सभी नाले पुलिया को दुरुस्त किया जाए, जिससे बाढ़ के समय कोई गंभीर संकट उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा सरकारी भूमि जहां भी कब्जा है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिस्वा सीतापुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार चौहान की रिपोर्ट।